रिलेशंस के बारे में, स्प्लीन में बेसिकली दो तरह के रिलेशंस होते हैं, एक पेरिटोनियल रिलेशंस होते हैं और एक आपका विस्ट्रल रिलेशंस होते हैं। पेरिटोनियल का मतलब क्या होता है, पेरिटोनियम इज द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेनिक लेयर, ठीक है। तो जो स्प्लीन होता है, स्प्लीन के पूरे सराउंडिंग्स में क्या होता है, एक पेरिटोनियम की लेयर जो होती है वो प्रेजेंट होती है, और स्प्लीन जो होता है उसके और दूसरे विसरल ऑर्गन्स के बीच में क्या होता है, लिगामेंट जो है वो अटैच्ड होते हैं। तो पेरिटोनियल रिलेशंस में अगर हम देखें, मेनली दो तरह के लिगामेंट्स होते हैं, एक आपका होता है गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट, एक होता है आपका लीनियोरिनल लिगामेंट। तो मैंने आपको जब मैंने ग्रेटर कर्वेचर मैंने जब स्टोमक में दिखाया था आपको, तब मैंने बताया था कि ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टोमक का और उसके पीछे हमारा स्प्लीन लाई करता है, तो उन दोनों के बीच में एक लिगामेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट। और ये जो गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट अगर हम देखें, ये कहाँ से एक्सटेंड करता है, जो हमारा हाइलम होता है, दिस इज ये आपका हाइलम है, इस हाइलम से ही हमारा गैस्ट्रो लिगामेंट स्टार्ट होता है। और वो कहाँ तक एक्सटेंड करता है, जो ग्रेटर कर्वेचर होता है स्टोमक का, इन दोनों के बीच में ये लिगामेंट अटैच होता है। और इस लिगामेंट के बीच में आपके बहुत सारे स्मॉल गैस्ट्रिक वेसल्स प्रेजेंट होती है, लिम्फैटिक्स प्रेजेंट होते हैं, और बहुत सारी नर्व्स जो होती है जो यहाँ से रन करती है। सेकेंड लिगामेंट आता है आपका लीनियोरिनल लिगामेंट। लीनल से ही हमें पता लग रहा है कि स्प्लीन का अटैचमेंट किसके साथ, लिगामेंट जो होगा वो अटैच किसके साथ हो रहा है, लीनल के साथ हो रहा है, यानी किडनी के साथ हो रहा है। तो जो हाइलम होता है, हाइलम जो है स्प्लीन का, वहां से लेके जो लेफ्ट किडनी है, लेफ्ट किडनी के एंटीरियर सरफेस तक एक लिगामेंट अटैच होता है, जिस लिगामेंट को हम क्या बोलते हैं, लीनियोरिनल लिगामेंट बोलते हैं। और इस लिगामेंट में भी आपके कौन कौन से स्ट्रक्चर्स वहां पे लाए जाते हैं, टेल ऑफ पेंक्रियाज हो गया, स्प्लीनिक ब्लड वेसल्स हो गए, लिम्फ नोड्स हो गए, लिम्फैटिक्स हो गए, सिंपैथेटिक नर्व्स हो गए, ये सारे स्ट्रक्चर्स जो होते हैं इस लिगामेंट के बीच से रन करते हैं। थर्ड लिगामेंट आता है फ्रेनिकोकोलिक लिगामेंट। ये जो फ्रेनिकोकोलिक लिगामेंट है, ये स्प्लीन के साथ अटैच नहीं होता, जैसे आपने देखा कि गैस्ट्रोस्प्लीनिक होता है, लीनियोरिनल होता है, वो हाइलम ऑफ द स्प्लीन से एक्सटेंड करते हैं, बट जो फ्रेनिकोलिक होता है वो स्प्लीन के साथ अटैच नहीं होता है, लेकिन जो स्प्लीन का एंटीरियर एंड होता है, जो नीचे एक्सपैंडेड एंड हमने देखा था एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स के अंदर, फीचर्स के अंदर, वहां पे जो सपोर्ट प्रोवाइड करता है लिगामेंट स्प्लीन को, दैट लिगामेंट इज नोन एज द फ्रेनिकोकोलिक लिगामेंट। और जो ये पेरिटोनियम की लेयर होती है जो स्प्लीन के सराउंडिंग्स में होती है, ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करती है, जो हमारा स्प्लीनिक फ्लेक्सर होता है, कोलोन का जो स्प्लीनिक फ्लेक्सर होता है, वहां से लेके डायफ्राम तक ये पेरिटोनियम की लेयर जो है वो प्रेजेंट होती है आपकी। स्प्लीन जो है पूरी तरह से पेरिटोनियम से कवर्ड होता है, सिर्फ हाइलम ऑफ द स्प्लीन कवर्ड नहीं होता है, क्योंकि हाइलम ऑफ द स्प्लीन में आर्टरीज, ब्लड वेसल्स वगैरह यहाँ से रन करती हैं। इसी वजह से जो हमारा हाइलम वाला पार्ट होता है स्प्लीन का, उसको पेरिटोनियम की कवरिंग नहीं होती है, बाकी रेस्ट ऑफ द स्प्लीन जो होता है वो आपका किससे कवर्ड होता है, पेरिटोनियम से कवर्ड होता है। और मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे दो लिगामेंट होते हैं, दिस इज द लीनियोरिनल लिगामेंट, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, और ये जो लिगामेंट है आपका, दिस इज द गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट। अब आता है विसरल रिलेशंस। विसरल से ही हमें पता लग रहा है कि स्प्लीन में बाकी जो विसराज है उनके कुछ ना कुछ रिलेशंस है। अब वो कैसे रिलेशंस है, इसमें आपको डिफरेंट इंप्रेशंस जो है वो नजर आ रहे हैं, लाइक गैस्ट्रिक इंप्रेशन नजर आ रहा है, रिनल इंप्रेशंस नजर आ रहे हैं, कॉलिक इंप्रेशन आ रहा है, पैनक्रियाटिक आ रहा है। तो ये क्या है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट इंप्रेशंस में कोई ना कोई पार्ट जो है वो रेस्ट कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये इंप्रेशंस जो है वो बने हुए हैं आपके। तो
जो विसरल सरफेस होती है, विसरल सरफेस इज रिलेटेड टू द फंडस ऑफ द स्टमक, एंटीरियर सरफेस ऑफ लेफ्ट किडनी, स्प्लेनिक फ्लेक्सर ऑफ द कोलोन एंड द टेल ऑफ द पैनक्रियास। अगर हम विसरल सरफेस स्प्लीन की अगर हम बात करें, उसका रिलेशन किन के साथ है, कौन कौन से विसरल के स्ट्रक्चर्स के साथ है, जैसे स्टोमक के सिर्फ फंडस के साथ उसका रिलेशन है, ऐसे ही लेफ्ट किडनी के एंटीरियर सरफेस के साथ है, कोलोन के सिर्फ स्प्लेनिक फ्लेक्सर के साथ है, पैनक्रियास का सिर्फ टेल वाला पार्ट के साथ उसका रिलेशन है। तो जो फर्स्ट इंप्रेशन आता है, ये जो आप गैस्ट्रिक इंप्रेशन आप देख रहे हो, ये जो बीच का इंप्रेशन है, गैस्ट्रिक इंप्रेशन किसके लिए है आपका, फॉर द फंडस ऑफ द स्टोमक। यहाँ इस इंप्रेशन में आपका फंडस जो होता है स्टोमक का, वो लाइ करता है, रेस्ट करता है इसके ऊपर, इसी वजह से स्क्रीन में ये इंप्रेशन जो है वो बना हुआ है। और जो ये हम गैस्ट्रिक इंप्रेशन देख रहे हैं, ये सुपीरियर बॉर्डर, ये जो सुपीरियर बॉर्डर है ऊपर का और नीचे का जो इंटरमीडिएट बॉर्डर है, यहाँ पे इन दोनों बॉर्डर्स के बीच में ये इंप्रेशन जो है वो लाइक करता है, दैट इज द गैस्ट्रिक इंप्रेशन। और अगर बाकी इंप्रेशन का आप कंपैरिजन करोगे, कोलोन का करो, रिनल का करो, इन सारे कंपैरिजन में सबसे बड़ा इंप्रेशन जो आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज द गैस्ट्रिक इंप्रेशन, क्योंकि इसका साइज बड़ा है। और और यहाँ पे जो इम्प्रेशन है वो कंकेव लाइक इम्प्रेशन है, ठीक है। सेकेंड इम्प्रेशन आता है आपका रिनल इम्प्रेशन, दिस वन, ये जो रिनल इम्प्रेशन है, आप रिनल इम्प्रेशन देख सकते हो किसके बीच में है, इंपीरियर बॉर्डर और इंटरमीडिएट बॉर्डर, ये जो इंटरमीडिएट बॉर्डर है और इंपीरियर बॉर्डर है, इसके बीच में ये रिनल इम्प्रेशन बना है। और रिनल इम्प्रेशन में यहाँ पे जो लेफ्ट किडनी होती है उसका एंटीरियर सरफेस जो है वो रेस्ट करता है, इसी वजह से यहाँ पे रेड इनर इंप्रेशन जो है वो बना हुआ है। थर्ड इंप्रेशन इज द कोलिक इंप्रेशन फॉर द स्प्लेनिक फ्लेक्सर्स ऑक्यूपाई अ ट्रायंगुलर एरिया एडजॉइनिंग द एंटीरियर एंड ऑफ द स्प्लेन। अब देखो ये जो कोलिक इंप्रेशन आपको दिखाई दे रहा है, इसकी शेप कैसे है, ट्रायंगल शेप में है, और ये किसके लिए बनाया गया है, ये इंप्रेशन स्प्लेनिक फ्लेक्सर ऑफ द कोलोन के लिए है, और इसके साथ साथ जो हमारा एंटीरियर एंड होता है स्प्लीन का वो भी ज्वाइन कर जाता है, नीचे का पार्ट जो एंटीरियर एंड का वो भी इसके साथ ज्वाइन हो जाता है। नेक्स्ट इंप्रेशन इज द पैनक्रियाटिक इंप्रेशन। पैनक्रियाटिक इंप्रेशन हमारा हाइलम और कोलिक इंप्रेशन के बीच ये आपका हाइलम है स्क्रीन का, ये कोलिक इंप्रेशन है, इन दोनों इंप्रेशंस के बीच में जो इंप्रेशन लाइक करता है, दैट इंप्रेशन इज अ पैनक्रियाटिक इंप्रेशन। और पैनक्रियाटिक इंप्रेशन में आपका टेल ऑफ द पैनक्रियास जो है वो रेस्ट करता है, और इसकी वजह से यहाँ पे ये इंप्रेशन बना हुआ है। The hilum lies on the inferior medial part of the gastric impression along the axis of the spleen. It transmits the splenic vessels, nerves provide attachment to the gastrosplenic and ileorenal ligament. अब क्या कह रहा है कि ये जो आपका hilum है, ये inferior medial part में lie करता है, और इस hilum से आप देख सकते हो कि ये क्या कर रहा है, एक तो यहाँ से बहुत सारी स्प्लेनिक आर्टरीज भी निकलती हैं, स्प्लेनिक वेन्स भी निकलती हैं, और उसके साथ साथ ये जो हाइलम होता है, ये दो लिगामेंट को भी अटैचमेंट प्रोवाइड करता है, गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट को भी अटैचमेंट प्रोवाइड करता है, और उसके साथ साथ लीनियोलिनर लिगामेंट को भी ये अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। Then आता है डायफर्मेटिक सरफेस। डायफर्मेटिक सरफेस हम देखें, इट इज रिलेटेड टू द डायफ्राम विच सेपरेट्स फ्रॉम द कोस्टो डायफर्मेटिक रिसेस ऑफ फ्लोरा लंग एंड 9th, 10th, 11th रिब ऑफ द लेफ्ट साइड। हमने देखा था कि दो सरफेसेस होते हैं, एक होती है डायफर्मेटिक सरफेस और एक होता है विसरल सरफेस। जब हमने डायफर्मेटिक सरफेस प्लेन में देखा था, तो डायफर्मेटिक सरफेस कैसा था आपका, दिस वन, This is your diaphragmatic surface. ये जो ऊपर का है convex shape में है, ये diaphragmatic surface है। तो ये diaphragmatic surface जो होती है, इसका
रिलेशन किसके साथ होता है आपका, डायफ्राम के साथ होता है, क्योंकि ये क्या करती है, जो हमारे प्लूरा होते हैं लंग के बाहर साइड में जो प्लूरा प्रेजेंट होते हैं, प्लूरा लंग और जो रिब्स होती है लेफ्ट साइड की, इन तीनों के बीच में ये सेपरेशन जो है वो प्रोवाइड करता है, सेपरेट करके रखता है इनको, ताकि ये जो पार्ट्स है वो जुड़े ना, इसमें इनके बीच में सेपरेशन मेंटेन होता है। आर्टेरियल सप्लाई की अगर हम बात करें, ये है यहाँ पे आपको पूरा आर्टेरियल सप्लाई डायग्राम में दिखाई देगा। तो हम अगर आर्टेरियल सप्लाई देखें, स्प्लीन को जो आर्टरी सप्लाई जाती है, दैट इज द स्प्लीनिक आर्टरी, और वो किसकी ब्रांच है, कोलिक ट्रंक की। ये जो सीलियक ट्रंक है, इसी में से एक आर्टरी निकलती है, स्प्लीनिक आर्टरी, दिस इज द स्प्लीनिक आर्टरी, और यही स्प्लीनिक आर्टरी आपके स्प्लीन को भी सप्लाई प्रोवाइड करती है। वेनस ड्रेनेज जो होता है, जो स्प्लीन स्प्लीनिक वेन होती है, वो कहाँ पे फॉर्म होती है, आपके हाइलम ऑफ द स्प्लीन के बीच में, क्योंकि अभी हमने डायग्राम में देखा था कि वहां पे क्या है, स्प्लीनिक वेन भी है। तो ये जो स्प्लीनिक वेन होती है, ये आपकी किसके साथ ज्वाइन हो जाती है, SMV मीन्स सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन के साथ ज्वाइन हो जाती है। कहाँ पे, जो नेक ऑफ द पेनक्रियाज है, जो पेनक्रियाज है उसमें भी एक पार्ट होता है नेक ऑफ द पेनक्रियाज। तो नेक ऑफ द पेनक्रियाज के पीछे जो स्प्लीनिक वेन होती है, वो सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन के साथ ज्वाइन हो जाती है, और क्या बनाती है, आपका पोर्टल वेन बनाती है। यानी कि ये आपकी स्प्लीनिक वेन है, ये नीचे आपका सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन है, इसके साथ ये ज्वाइन हो जाती है, और ज्वाइन होने के बाद ये क्या फॉर्म करती है, आपका पोर्टल वेन जो है वो बनाती है। अब इसमें से भी पोर्टल वेन में से जो कुछ ट्रिब्यूटरीज निकलती है, ट्रिब्यूटरीज मीन्स कुछ ब्रांचेस निकलती है, वो कौन कौन सी ब्रांचेस होती है, शॉर्ट गैस्ट्रिक हो गया, लेफ्ट गैस्ट्रिक एपिक्लोइक, पैंक्रियाटिक और इंफीरियर मेसेंट्रिक। ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये जैसे लेफ्ट गैस्ट्रिक एपिप्लोइक हो गई, ठीक है, और ये लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज हो गई, इंफीरियर आर्टरी हो गई। तो ये सारी क्या है, स्मॉल स्मॉल जो है वो आर्टरीज वहां पे बनी निकली हुई है, और उसके साथ साथ पोर्टल वेन में से आपकी स्मॉल ब्रांचेस भी निकलती है, शॉर्ट गैस्ट्रिक वेन, लेफ्ट गैस्ट्रिक एपिप्लोइक वेन, पैंक्रियाटिक वेन, इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन, ये सारे पोर्टल वेन में से ही उनका डेरिवेशन होता है। लिम्फेटिक ड्रेनेज की अगर हम बात करें, कि जो स्प्लीन है, स्प्लीन का जितना भी लिम्फ है, स्प्लीन में जितना भी फ्लूइड प्रेजेंट होता है, वो जाके कहाँ पे ड्रेन होता है, जहां पे हमारी स्प्लीनिक आर्टरी जहां से रन करती है, वहां पे एक नोड प्रेजेंट होता है, पैनक्रियाटिक और स्प्लीनिक, पैनक्रियाज और स्प्लीन के बीच में नोड प्रेजेंट होते हैं, जिसको पैनक्रियाटिक और स्प्लीनिक नोड्स बोलते हैं। तो स्प्लीन का जितना भी लिम्फ होता है, वो जाके आपका पैनक्रियाटिक और स्प्लीनिक नोड में जाके ड्रेन हो जाता है, और नर्व सप्लाई जो होती है, इसको सिर्फ जो नर्व सप्लाई प्रोवाइड करती है, वो सिर्फ सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई ही प्रोवाइड करती है, इसमें पैरासिंपैथेटिक नर्व सप्लाई नहीं होती है। और जो सिंपैथेटिक फाइबर्स होते हैं, जो इसको सप्लाई करते हैं स्प्लीन को, वो भी सीलिएक प्लेक्सिस में से ही निकलते हैं, जो आपके स्प्लीन को सप्लाई करते हैं। स्प्लीन का काम क्या होता है, एक तो ये लिम्फोसाइट्स जो सेल्स होती हैं उनको प्रोड्यूस करती है, एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करती है, ताकि इम्यून सिस्टम प्रॉपरली वर्क कर सके, फाइट कर सके इन्फेक्शन के अगेंस्ट में। उसके साथ साथ हमारी बॉडी में जो भी रेड ब्लड सेल्स डैमेज हो जाते हैं, या पुराने ब्लड सेल्स जो होते हैं, उनको रिमूव करने का काम भी स्प्लीन करता है। उसके साथ साथ अगर कभी पर्सन शॉक में चला जाए, बॉडी में अगर इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई होता है, तो पर्सन शॉक में चला जाता है, तो उस टाइम पे, शॉक में जाने के टाइम पे, जो हमारा ब्लड स्टोरेज होता है, वो सबसे ज्यादा स्प्लीन के अंदर होता है, क्योंकि ये सब बॉडी में वेस्कुलर ऑर्गन है। तो ये क्या करता है, एज ए रिजर्वियर भी ये काम करता है, इन केस ऑफ शॉक में या हेमरेज के केस के अंदर। और इसके साथ साथ ये आयरन को भी प्रिजर्व करता है, हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस में भी ये हेल्प करता है। अगर
स्प्लीन एनलार्ज हो जाता है किसी भी रीजन की वजह से, जैसे कोई इंफेक्शन हो गया है स्प्लीन में, या किसी पर्सन को मलेरिया हो गया है, या कैंसर हो गया है, या एनीमिक है पेशेंट, बॉडी में हीमोग्लोबिन कम है, तो उन सारे केसेस में स्प्लीन अगर एनलार्ज हो जाता है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, स्प्लीनोमेगली बोलते हैं। और स्कल सेल एनीमिया के अंदर क्या होता है हमारा मैम, स्प्लीन जो होता है वो एरिथ्रोसाइट्स को भी तो प्रोड्यूस करता है, किसको? एरिथ्रोसाइट्स, आरबीसी। हाँ, आरबीसी जो डैमेज आरबीसी प्रोड्यूस नहीं करता है, जो आरबीसी होते हैं उनको रिमूव करता है, पुराने आरबीसी को, या फिर जो डैमेज हो रखे होते हैं आरबीसी को उनको रिमूव करता है, आरबीसी को प्रोड्यूस नहीं करता है, सिर्फ लिम्फोसाइट्स को प्रोड्यूस करता है। ये सिकल सेल एनीमिया आपका अगर हो रखा है किसी पर्सन को, तो उसमें आपका स्प्लीन का फंक्शन डिक्रीज हो जाता है, और उसके साथ साथ एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो फॉर्म हो जाती है। और यही ब्लड वेसल्स क्या हैं, जहां जहां ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है वो सारी ब्लड वेसल जो सेल्स होंगी वो उसके अंदर क्या करेंगी, प्रॉपरली ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा, वो उसके अंदर जो है वो मिक्सअप होते रहेंगे। नेक्स्ट इज योर पेनक्रियाज। पेनक्रियाज आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, दिस इज द पेनक्रियाज एंड एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ पेनक्रियाज इन द बॉडी। ये हमारे स्प्लीन के बाद नेक्स्ट ऑर्गन आता है जिसको हम बोलते हैं पेनक्रियाज। पेनक्रियाज का अदर नेम स्वीट ब्रेड भी है, जैसे हमने डिफरेंट डिफरेंट किडनी है, किडनी का नाम नेफ्रॉन रेफे ये है, नेफ्रॉन भी हम उसको बोलते हैं, ठीक है। तो वैसे ही पेनक्रियाज को हमने क्या किया है, एक नाम दिया है, इसको स्वीट ब्रेड भी बोलते हैं। पेनक्रियाज का मतलब पेन मतलब, और क्रियाज मतलब फ्लैश, यानी कि ये जो ऑर्गन होता है ये तो पूरा फ्लैश ही होता है, सॉफ्ट ऑर्गन होता है ये, ठीक है, बॉडी के अंदर। इट इज अ ग्लैंड दैट इज पार्शली एक्सोक्राइन एंड पार्शली एंडोक्राइन। आप जो ये पेनक्रियाज देख रहे हो ये क्या है, बेसिकली ग्लैंड है जिसका काम दोनों है, एक्सोक्राइन का भी काम करता है, ये एंडोक्राइन का भी काम करता है। एक्सोक्राइन का कैसे काम करता है, क्योंकि ये क्या करता है, जूस को स्क्रीट करता है, पेनक्रियाटिक जूस को स्क्रीट करता है। जब हमने बाइल वो पढ़ा था, एक्स्ट्रा हिपैटिक, हमने देखा था ना कि बाइल डक्ट भी ड्यूडिनम में जाके ओपन होता है, पेनक्रियाटिक डक्ट भी ओपन हो रहा है, तो बाइल डक्ट से बाइल जूस आता है, पेनक्रियाटिक डक्ट से पेनक्रियाटिक जूस आता है। तो एक्सोक्राइन पार्ट जो है इसका ग्लैंड का, वो क्या करता है, डाइजेस्टिव पेनक्रियाटिक जूस को स्क्रीट करता है ताकि डाइजेशन जो है वो कंप्लीट हो सके। एंडोक्राइन का पार्ट का काम क्या होता है कि ये हॉर्मोन्स को रिलीज करता है, जैसे इंसुलिन वगैरह हॉर्मोन्स है उनको रिलीज कौन करता है, एंडोक्राइन पार्ट जो होता है पेनक्रियास का वो रिलीज करता है। देन अगर हम ये बॉडी को डाइसेक्ट करके अगर हम देखें, इस ऑर्गन को अगर हम हाथ में लेते हैं, तो ये ऑर्गन एकदम सॉफ्ट जैसा लगे, जैसे फ्लैशी पार्ट होता है एकदम नरम जैसा होता है, वैसे आपको ये दिखाई देगा, और ये इलॉन्गेटेड ऑर्गन होता है। और आप बॉडी में देख सकते हो कि इसकी जो पोजीशन होती है, ये बेसिकली कहाँ पे लाया जाता है, मैंने आपको बताया था कि हमारे दो एब्डोमिनल वॉल होते हैं, एक एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल होता है, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल होता है। तो जो पेनक्रियाज होते हैं, ये पेनक्रिया जो होता है ये कहाँ पे लाया जाता है, आपके पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में, यानी कि पीछे की तरफ ये लाया करता है, और ओब्लिकली बॉडी में लाया करता है। इसकी प्लेसमेंट कैसे होती है, ये ओब्लिकली लाया करता है, दिस वन ऐसे होती है इसकी शेप, ओब्लिकली ये लाया करता है कहाँ पे, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में। और कौन से लेवल पे, जो लंबर वर्टिब्रा का लेवल है L1 और L2, जो लंबर वर्टिब्रा का जो लेवल होता है वहां पे ही ये प्रेजेंट होता है, यानी कि पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के नियरेस्ट में जो वर्टिब्रा आएगी L1 और L2 होगी। देन आप स्ट्रक्चर में देख सकते हो कि जो पेनक्रियाज है वो दिखने में कैसा है, एकदम जे शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है ये। और
इट इज डिवाइडेड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट हेड नेक बॉडी एंड टेल. अगर हम इसका डिवीजन करें राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ अगर हम जाते हैं तो सबसे पहले हेड आता है, फिर नेक आता है, फिर बॉडी आती है और फिर टेल आता है. ठीक है, तो ये क्या है, अगर हम राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ अगर हम जाएंगे तो स्ट्रक्चर्स इस तरह से प्लेस्ड होते हैं, पार्ट्स इस तरह से उसके पैंक्रियास के लाए करते हैं. इट्स राइट एंड इज एनलार्ज्ड एंड इज कॉल्ड हेड. ये जो आप राइट एंड देख रहे हो ये क्या है, एनलार्ज्ड है, पूरा एकदम बड़ा साइज में है और जिसको हम क्या बोलते हैं, हेड ऑफ द पैंक्रियास बोलते हैं. उसके बाद क्या है, द नेक्स्ट टू द हेड इज अ शॉर्ट कंस्ट्रक्टेड पार्ट फॉर द नेक. हेड एक एनलार्ज्ड पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, उसके बाद थोड़ा सा सिकड़ा हुआ पार्ट होता है, कंस्ट्रिक्टेड पार्ट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेक ऑफ द पेंक्रियास बोलते हैं. द नेक इज कंटिन्यूस विद द मेन पार्ट ऑफ द ग्लैंड कॉल्ड द बॉडी. अब ये जो नेक है ये मेन पार्ट है, क्योंकि हमने देखा, जैसे हमने स्टोमक पढ़ा था, स्टोमक में भी हमने देखा मेन पार्ट कौन सा होता है, बॉडी का होता है. ऐसे फिर हमने गॉल ब्लैडर में देखा कि गॉल ब्लैडर में भी मेन पार्ट आता है बॉडी. तो सेम जो ये बीच का पार्ट है, जो मेन पार्ट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बॉडी ऑफ द पेंक्रियाज बोलते हैं. और जो नेक होता है वो किसके साथ कंटिन्यू करता है, जो इस ग्लैंड का मेन पार्ट होता है, जिसको हम बॉडी बोलते हैं. फिर लेफ्ट साइड में अगर हम जाएंगे, एक थिन स्ट्रक्चर, एक पतला सा स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, दैट इज द टेल ऑफ द पेंक्रियाज. तो लेफ्ट एक्सट्रीमिटी में जो पेंक्रियाज होता है उसकी शेप एकदम थिन होती है और उसको हम क्या बोलते हैं, टेल ऑफ द पेंक्रियाज. यानी कि बॉडी में जो पेंक्रियाज की अगर हम एग्जैक्ट लोकेशन देखें, ये ओब्लिकली लाई करता है और पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में लाई करता है और पीछे इसकी जो वर्टिब्रा प्रेजेंट होता है वो आपका कौन सा वर्टिब्रा आता है, यहाँ पे L1 एंड L2 वर्टिब्रा आता है. और उसके अलावा अगर हम राइट से लेफ्ट तरफ की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले एक एनलार्ज्ड पार्ट आता है जिसको हम हेड ऑफ द पेंक्रियाज बोलते हैं. उसके बाद एक कंस्ट्रिक्टेड पार्ट आता है जिसको हम नेक ऑफ द पेंक्रियाज बोलते हैं. फिर नेक जो होता है वो कंटिन्यू करता है मेन पार्ट ऑफ द ग्लैंड के साथ, जिसको हम बॉडी ऑफ द पेंक्रियाज बोलते हैं. और जैसे ही हम लेफ्ट साइड तरफ जाएंगे, एक थिन स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, टेल ऑफ द पेंक्रियास बोलते हैं.